Si tú no quieres, bebé, tengo filas hasta atrás. No te necesito más. Te crees mucho, lo sé. Hoy que te digo sé. Pero hay más en Instagram. Hello guys and welcome back to Team Car Delight. So ये है डिज़ायर का टॉप एंड ZX i प्लस मॉडल विच इज़ कम्प्लीटली फीचर रिच. तो देखते हैं क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है, क्या इसका ऑन रोड प्राइस है, इसके ऑन रोड प्राइस में और बाकी सारी कौन कौन सी कार के कौन कौन से मॉडल मिल जाते हैं, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है, एंड हर एक चीज़ इस रिव्यू में कवर रहेगी, यानी कि इस शॉर्ट से वॉक अराउंड में. सो डिज़ायर का जो वाइट कलर है दैट इज़ बेस्ट सेलिंग, एंड हो भी क्यों ना, बिकॉज वाइट कलर में कार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लुक ऑफर करती है. सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे बिग साइज़ की फ्रंट में ग्रिल मिल जाएगी. यू कैन सी क्रोम फिनिश दी गई है, बिग साइज़ का एयर डैम अवेलेबल है. देन दीज आर द हेडलैम्प्स. ये हेडलैम्प जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आपको मिलते हैं. LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं. हाई बीम एंड लो बीम दोनों ही आपको LED प्रोजेक्टर मिलती है. काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी ऑफर करते हैं हेडलैम्प. यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई है. साथ में दीज आर द टर्न इंडिकेटर्स विच इज़ इन हेलोजन, एंड आई विल जस्ट शो यू. सो दीज आर द टर्न इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, एंड यहाँ पे जो फॉग लैम्प है वो आपको LED में नहीं मिलते, वो यहाँ पे हेलोजन में दिए गए. क्रोम फिनिश आपको मिल जाएगी. और ये है कार की साइड प्रोफाइल. और यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलती है, रियर में ड्रम ब्रेक्स दी गई है. साथ में अमेज की बात करें या डिज़ायर की, जितनी भी कार्स है सेगमेंट में उन सबकी जो एवरेज मंथली सेल है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर. एंड इसी के साथ अगर आपको किसी कार की सर्विस कॉस्ट चेक करनी है, जैसे कि ये वाली कार है तो उसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी आप अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर. बट जैसे आपको हर एक ईयर की डिटेल सर्विस कॉस्ट चेक करनी है, किसकी लेबर कॉस्ट क्या है, कौन कौन से पार्ट किस सर्विस में रिप्लेस होंगे, वो आप चेक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर. हमारी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स मेंशनड है हर एक कार की, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं किस कार की सर्विस कॉस्ट हाई है, किसकी लो है. सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड साथ में यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स अवेलेबल हैं विद टर्न इंडिकेटर्स. दीज आर द अलॉय व्हील्स जो कि काफ़ी अच्छी लुक ऑफर कर रहे हैं. सो 185/65 प्रोफाइल टायर दिए गए हैं, R15 इंचेस के टायर्स. और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर जो कि आपको दूसरी साइड भी मिलेगा. विंडो के पास यहाँ पे कंप्लीट क्रोम बेल्ट लाइन अवेलेबल है. बी पिलर ब्लैक्ड आउट, रियर में माइक्रो रूफ एंटेना, रियर डिफॉगर, और यह है कार की रियर लुक. सो जो रियर लुक है दैट इज़ एक्चुअली द बेस्ट प्रोफाइल ऑफ द कार, एंड मोस्ट ऑफ द मारुति कार्स की जो रियर लुक है वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है. सो दिस इज़ द ब्रेक, दिस इज़ द ब्रेक लाइट, ये है रिवर्स लाइट. ब्रेक लाइट भी जो है वो कंप्लीट 3D LEDs में दी गई है. एंड रियर में सेंसर्स अवेलेबल हैं. लाइसेंस प्लेट की जो लाइट्स है दैट इज़ इन हेलोजन, यू कैन सी. यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलती है. यहाँ पे डिज़ायर की बैजिंग दी गई है. टेल लैम्प आप देख सकते हैं. एंड देन यहाँ पे हम बटन प्रेस करेंगे, टेल गेट ओपन हो जाएगा. सिंगल बटन दिया गया टू अनलॉक, लॉक के लिए बटन नहीं है. एंड यहाँ पे कैमरा भी प्लेस्ड है. और जो कैमरे की नाइट विजन है दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी डिसेंट. यहाँ पे वो कोई कवरिंग नहीं मिलती. एंड दिस इज़ द बूट स्पेस. यहाँ पे एक लैम्प दिया गया हेलोजन में, और बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छा ओवरऑल मिल जाता है. इसको अगर हम पुल करेंगे तो यहाँ पे स्पेयर टायर अवेलेबल है जो कि दिया गया 165/80 R14 इंचेस का. एंड साथ में जो जैक है आपको यहाँ पे प्लेस मिलता है. सो दिस इज़ द जैक. बाकी किट आपको यहाँ पे मिलेगी, यू कैन सी. सो गाइज, अगर आपको कोई कार परचेज़ करनी, कोई आप कार प्लान कर रहे हैं परचेज़ करने का, उसके बारे में कुछ पॉजिटिव जानना चाहते हैं, नेगेटिव जानना चाहते हैं, या आप कन्फ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती है कार में जो कि हर एक कार में चल रही होती है लेकिन बैक एंड पे पता होती है, आगे कस्टमर तक नहीं पहुंचती, तो वो सब डिटेल्स जानने के लिए, या अगर आप कोई कन्फ्यूजन है आपको वो दूर करनी है, आपने हमसे 1-to-1 बात करना है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं हमारी कार कंसल्टेंसी. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक द लिंक. एंड इसी के साथ बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में. ये कार बिल्ट है ऑन हार्टेड प्लेटफॉर्म, सुजुकी की हार्टेड प्लेटफॉर्म पे बिल्ट अप है ये. अब अदर डिटेल्स कवर करते हैं. जो ऑन रोड प्राइस है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर. और ये है ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन. तो डिज़ायर का जो टॉप एंड मॉडल है उसके प्राइस में आपको और कौन कौन सी ड्राइवल कार्स मिल जाती हैं, तो आप देख सकते हैं अमेज का टॉप एंड VX मॉडल, ऑरा का भी SX ऑप्शनल टॉप एंड मॉडल, एंड टिगोर का भी आपको टॉप मॉडल मिल जाता है. प्राइस आप देख सकते हैं टिगोर का सबसे आपको कम मिलेगा. और ये है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स इस टॉप एंड मॉडल के. सो 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम विद हिल होल्ड असिस्ट, रियर कैमरा, रियर सेंसर्स, रियर डिफॉगर, चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्रीटेंशनल लोड लिमिटर, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग ऑटोडोर लॉक, एंड स्पीड अलर्ट सिस्टम.
और ये है कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन विद द राइवल कार्स और डिजायर का। यहाँ पे डायमेंशन कंपैरिजन देख सकते हैं, बूट स्पेस है 378 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, टर्निंग रेडियस 4.8 मीटर का, कर्व वेट आपको 880 से लेकर 995 kg मिलेगा। एंड इसी के साथ गाइस बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में। सो यहाँ पे अवेलेबल है 1.2 लीटर फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहाँ पे मैनुअल गियरबॉक्स एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पैडिंग अवेलेबल है। तो इंजन जो है ओवरऑल वैसे भी काफ़ी आपको रिफाइंड मिलेगा, काफ़ी साइलेंट मिलेगा। फायरवॉल पे भी साउंड रेडिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको अंडरबॉडी इंजन गार्ड मिलता है। यहाँ पे इवन हीट इंसुलेटेड मटेरियल भी यूज़ करे गए हैं। तो अंडरबॉडी इंजन गार्ड से गाइज बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप किसी वाटर एक्यूमुलेटेड एरिया में जाते हैं तो जो वाटर का स्प्लैश है वो इंजन के मेन कंपोनेंट्स तक एंटर नहीं करता। साथ में यहाँ पे जो रैट कैट पिजन्स होते हैं वो अंदर इजीली एंटर नहीं कर सकते, तो इंजन जो डैमेज होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड ओवरऑल इंजन में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है। और इसी के साथ अब बात करते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में, फिर चेक करेंगे इंटीरियर्स। 2 वाइपर वॉशर यहाँ पे अवेलेबल है, कुछ इस टाइप के आपको वाइपर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे यूवी सेंसर और सोलर सेंसर दिया गया फॉर द ऑटोमेटिक एसी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही कूल कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है इन्वॉल्व की कार्बन ब्लैक परफ्यूम। इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग और कूल दी गई है। जैसे आफ्टर शेव लोशन की फ्रेगनेंस होती है, हमें काफ़ी अच्छी लगती है, उस टाइप से इसकी फ्रेगनेंस दी गई है। एंड यू विल टोटली लव इट। ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी है, 40-45 डेज आराम से चल जाती है। यहाँ से आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं इसे इधर। एंड कैबिन में काफ़ी वाइड तरीके से स्प्रेड होती है। अभी कभी विजिट करें involvesensor.com पे, यूज़ कूपन को टीम कार्ड लाइक। कुछ ऐसी यहाँ पे आपको की मिल जाती है लॉक अनलॉक एंड टेल गेट बटन के साथ। टेल गेट बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो टेल गेट कुछ ऐसे ओपन हो जाता है एंड कार को लॉक कर देते हैं। दीज आर ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स। यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे तो कार अनलॉक या फिर लॉक हो जाती है। इंजन पुश स्टार्ट बटन और ये है डैशबोर्ड की लुक। सो काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर्स आपको मिल जाते हैं। जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया दी गई है। यहाँ पे वुडन टचेस दिए गए हैं एंड इंटीरियर्स फील गुड, स्मेल गुड एज वेल। बेज कलर की यहाँ पे कारपेटिंग अवेलेबल है। बेज कलर में आपको यहाँ पे रूफ मिल जाती है और डुअल टोन यहाँ पे फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है। सीट्स आर रियली वेरी वेरी कम्फर्टेबल, स्पेशली जो फ्रंट सीट्स हैं। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा फॉर द ड्राइवर साइड सीट। साथ में यहाँ से हम बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। देयर इज क्लच फुटरेस्ट, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया इवन फॉर टॉलर एंड बिगर ऑक्यूपेंट्स। और यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑफ का ऑप्शन, देन हेडलैम्प लेवलर दोनों स्विचेस मिलेंगे इल्यूमिनेटेड। और ये है फ्रंट डोर की लुक, अगेन डुअल टोन डोर दिया गया है। काफ़ी अच्छी वुडन फिनिश आपको मिल जाती है। यहाँ पे इवन कंप्लीट फैब्रिक फिनिश भी अवेलेबल है। कुशन दिया गया, ज़्यादा कुशन नहीं दिया गया लेकिन कुशन आपको मिल जाता है। स्पीकर अवेलेबल हैं, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, फ्रंट में यहाँ पे ट्विटर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVM, यहाँ से पावर डोर लॉक स्विच, ऑटो डाउन एंड ऑटो अप पावर विंडो दी गई है। और यहाँ पे जितने भी कंट्रोल है सिर्फ आपको ये वाला कंट्रोल मिलेगा इल्यूमिनेटेड, यानी कि बैकलाइट के साथ। यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल एंड इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे फ्रंट में कुछ स्पेस मिल जाती है। दिस इज़ द गियर लिवर, रिवर्स गियर स्लॉट करें। सो दिस इज़ द रियर व्यू। सो यहाँ पे जो गाइडलाइन है दे आर नॉट अडेप्टिव, बट आपको प्रॉपर यहाँ पे सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाता है इन MID स्क्रीन। एंड देन वी हैव गॉट ट्विन कप होल्डर्स ओवर हियर। यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है तो स्मार्टफोन आप प्लेस कर सकते हैं। देन यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड USB एंड ऑक्स पोर्ट। USB के थ्रू आप यहाँ पे एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो यूज़ कर सकते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करता है। रियर में भी आपको AC वेंट मिल जाएगा। और ये है 7 इंचेस का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे हैप्टिक बटन्स दिए गए हैं, टच सेंसिटिव। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले करता है, डेट, टाइम, डे, साथ में माइलेज, डिस्टेंस टू MT, लो फ्यूल रिमाइंडर्स, अदर रिमाइंडर्स आपको मिल जाते हैं। इवन नियर बाय पेट्रोल पंप पे यहाँ पे आप नेविगेट भी कर सकते हैं।
एडिशनल कंजम्पशन इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे डिस्प्ले होगा एंड देन क्विक एक्सेस फोर स्पीकर्स एंड टू फ्रंट वेटर्स अवेलेबल हैं रेडियो ब्लूटूथ यूएसबी एंड ऑक्स को भी ये सपोर्ट करता है एंड साथ में चेक करते हैं साउंड क्वालिटी स्मार्ट प्ले स्टूडियो भी अवेलेबल है इवन गाइस यहाँ पे सो रॉक साउंड जो है यानी कि प्रीसेट जो है दैट इज नाइस एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी इज गुड और इसी के साथ यहाँ पे इनपुट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी लग रही है देन वी हैव गॉट बिग साइज ग्लव बॉक्स ओवर हियर कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलता ग्लव बॉक्स में और यहाँ पे वैनिटी मिरर दिस इज डे एंड नाइट आईआर वीएम रियर व्यू मिरर भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको रियर व्यू मिरर मिलेगा काफ़ी अच्छा ये व्यू ऑफर करता है एंड ओवर वीएम से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है साथ में दिस इज द व्यू दैट यू गेट वाइल ड्राइविंग द कार तो काफ़ी क्लियर व्यू ऑफर करा गया है यहाँ पे फ्रंट में कैबिन लैम्प विच इज इन हेलोजन यहाँ पे टॉयलेट सीट होल्डर एंड दिस इज द स्टेयरिंग व्हील भी काफ़ी प्रीमियम दिया गया है वुडन टचेस यहाँ पे दिए गए हैं एंड साथ में एडजस्टमेंट सो टिल्ट एडजस्टमेंट नॉट टेलीस्कोपिक इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे तो ऑडियो कंट्रोल्स ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स वॉइस कमांड कंट्रोल्स एंड यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलेंगे यहाँ पे हेडलैम्प के कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम है तो काफ़ी स्पोर्टी भी लगता है और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वी गेट डुअल ट्रिप मीटर एज वेल साथ में आउटसाइड टेम्परेचर मिलेगा गियर शिफ्ट इंडिकेटर गियर पोजिशन इंडिकेटर डिजिटल क्लॉक एवरेज फ्यूल कंजम्पशन इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन ड्राइविंग टाइम एवरेज स्पीड देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर में आइडलिंग टाइम यानी कि गाड़ी कितनी स्टार्ट रही टोटल आइडल फ्यूल सेफ कितना रहा यहाँ पे एनालॉग क्लॉक डेट साथ में एवरेज फ्यूल कंजम्पशन इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन डिस्टेंस टू एम्प्टी इवन जो कैबिन की इल्यूमिनेशन है उसको भी आप यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस आप चेक करते हैं रियर सीट्स सो कोई भी यहाँ पे डोर ओपन हुआ आपको एग्जैक्ट वार्निंग मिलेगी टेलगेट की वार्निंग भी मिलती है और इवन यहाँ पे अगर बोनेट ओपन होता है तो उसकी वार्निंग आपको नहीं मिलेगी टेलगेट ओपन करते हैं तो उसकी वार्निंग आपको मिल जाएगी एंड ये है रियर डोर डुअल टोन डोर अवेलेबल है स्पीकर बॉटल होल्डर वी हैव गॉट पावर विंडो कंट्रोल ओवर हियर साथ में यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश दी गई है यहाँ पे रियर में आपको फैब्रिक फिनिश नहीं मिलती फ्रंट की तरह रूम डोर हैंडल अवेलेबल हैं दीज आर द रियर सीट्स सो गुड थिंग इज दैट यहाँ पे दोस्तों आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है चाइल्ड लाइट्स ऑफ एक्स माउंट्स भी दिए गए हैं एंड यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर मिल जाते हैं ऑन द आर्मरेस्ट इसके बैक पे पॉकेट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे पॉकेट मिलेगी रियर एसी वेंट विच इज़ एसेंशियली अ ब्लोअर सो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट एंड यहाँ पे आपको एक मोबाइल पॉकेट मिल जाती है सेंटर में लैम्प दिया गया थियोडो डिमिंग फंक्शन के साथ यहाँ पे ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा दिस इज़ द डैशबोर्ड एंड डिज़ायर ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर्स ऑफर करती है जो स्पेस एंड कंफर्ट भी दिया गया दैट इज़ ऑन पॉइंट इवन जो राइड क्वालिटी भी है दैट इज़ वेरी वेरी गुड और हम शेयर करने वाले इसकी और भी काफ़ी सारी डिटेल वीडियोस आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली आप हमारे को कॉल कर सकते हैं और किसी भी कार की सर्विस कॉस्ट आप चेक करने जाते हैं यू कैन डू दैट ऑन अवर वेबसाइट